दोस्तों बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने सिनेमाघरों में 55 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और फिल्म को रिलीज हुए आज सिनेमाघरों में 56वां दिन चल रहा है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए फिल्म अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी भी ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है। लेकिन दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, पिछले गुरुवार कुछ बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, कुछ बेहतरीन फिल्में रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, जैसे कि चंद्रमुखी 2 जिसको सिनेमाघरों में आज 8वां दिन चल रहा है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कलेक्शन कर रही है। और इसके अलावा दूसरी तरफ थी तेलुगु लैंग्वेज की मूवी स्कांडा जिसने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया है, और वहीं तीसरी तरफ थी फुकरे 3 जो कि एक कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन यकीन मानिए फुकरे 3 ने बॉक्स ऑफिस पर जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। इन तीनों फिल्मों को रिलीज हुए आज सिनेमाघरों में 8वां दिन चल रहा है। तो बात करने वाले हैं इस वीडियो में गदर 2 अपने पहले 55 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है और आज अपने 56वें दिन यह फिल्म कितनी कमाई करने वाली है। बात करेंगे फुकरे 3 फिल्म के पूरे 8 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, स्कांडा फिल्म के पूरे 8 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे चंद्रमुखी 2 फिल्म के पूरे 8 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप सनी देओल को एक बेहतरीन अभिनेता और आपको भी फुकरे 3 फिल्म पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमुखी 2 फिल्म की, जो कि एक तमिल लैंग्वेज की मूवी थी जिसको 3 भाषाओं में तमिल तेलुगु हिंदी में रिलीज किया गया था। लेकिन फिल्म को तमिल से तो अच्छा रिस्पांस मिला लेकिन तेलुगु और हिंदी में उतनी कमाई ये फिल्म नहीं कर पाई। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि पी वासु के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसमें हमें राघव लॉरेंस और कंगना रनौत और लक्ष्मी मेनन अहम किरदार में नजर आई थी। फिल्म का बजट लगभग 55 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 8 करोड़ 25 लाख रुपए की नेट ओपनिंग की थी। तमिल से फिल्म ने 5 करोड़ 58 लाख रुपए कमाए थे, तेलुगु से फिल्म ने लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी और हिंदी से फिल्म ने किया था लगभग 17 लाख रुपए का कलेक्शन। तो फिल्म ने अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 8 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे, तो वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 9 करोड़ 70 लाख रुपए था। ओवरसीज से फिल्म ने कमाए थे लगभग 2 करोड़ रुपए और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में अपने पहले दिन चंद्रमुखी 11 करोड़ 70 लाख रुपए कमाने में कामयाब रही थी। चंद्रमुखी 2 फिल्म को 4 दिनों का वीकेंड मिला था, चौथे दिन यानी कि संडे को फिल्म की जो कमाई थी वो 6 करोड़ 80 लाख रुपए की थी। तो 4 दिनों में चंद्रमुखी 2 फिल्म ने 24 करोड़ 45 लाख रुपए इंडिया से नेट कमा लिए थे, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 34 करोड़ 70 लाख रुपए हो चुका था। अब बात करूंगा मैं छठवें दिन की, तो छठवें दिन फिल्म का चंद्रमुखी 2 का जो कलेक्शन था वो 2 करोड़ 5 लाख रुपए का रहा था। तो अपने पहले 6 दिनों में चंद्रमुखी 2 फिल्म ने 31 करोड़ 5 लाख रुपए की कमाई इंडिया से नेट कर ली थी। तमिल से फिल्म ने कमा लिए थे 23 करोड़ 50 लाख रुपए, तेलुगु से फिल्म का कलेक्शन था 6 करोड़ 80 लाख रुपए और हिंदी से फिल्म की जो नेट कमाई थी वो 75 लाख रुपए की हुई थी। तो पहले 6 दिनों में चंद्रमुखी 2 फिल्म ने 31 करोड़ 5 लाख रुपए पूरे इंडिया से नेट कमा लिए थे, वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 36 करोड़ 45 लाख रुपए का रहा था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे लगभग 6 करोड़ रुपए और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में अपने पहले 6 दिनों में फिल्म चंद्रमुखी 2 42 करोड़ 45 लाख रुपए करने में कामयाब रही थी। सातवें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 1 करोड़ 90 लाख रुपए का, आठवें दिन फिल्म की कमाई आज यानी कि होने वाली है लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए की और फिल्म की जो 8 दिनों की टोटल कमाई है वो 34 करोड़ 75 लाख रुपए इंडिया में नेट हो जाएगी, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 47 करोड़ रुपए हो जाएगा। हालांकि फिल्म अभी तक अपने बजट तक भी नहीं पहुंची है, मुझे लगता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने वाली है। अब दोस्तों बात करेंगे स्कांडा मूवी की, क्योंकि स्कांडा मूवी फिल्म तेलुगु लैंग्वेज की मूवी थी जिसको तमिल तेलुगु हिंदी 3 भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म को डायरेक्ट किया था बायोपति रेनू ने और फिल्म में हमें राम पोथिनेनी, सरलीला और साइमान जेकर अहम किरदार में नजर आए थे। फिल्म का बजट भी काफी था, लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए के बजट में ये फिल्म बनी थी। फिल्म की ओपनिंग तो ठीक ठाक रही थी, फिल्म ने अपने पहले दिन 11 करोड़ 50 लाख रुपए इंडिया से नेट कमाए थे, वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 15 करोड़ 60 लाख रुपए का रहा था।
उसके बाद 6 दिनों में इस कांडा फिल्म की जो टोटल कमाई थी, क्योंकि 6वें दिन फिल्म ने कमाई थी 1,75,00,000 रुपए, तो 6 दिनों में इस कांडा मूवी ने लगभग 35,45,00,000 रुपए इंडिया से नेट कमा लिए थे। वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 41,80,00,000 रुपए हो चुका था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 4,20,00,000 रुपए और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में अपने पहले 6 दिनों में इस कांडा मूवी लगभग 46 करोड़ रुपए कर चुकी थी। 7वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 1,50,00,000 रुपए का और आज 8वें दिन भी ये फिल्म लगभग 1,40,00,000 रुपए से लेकर 1,50,000,000 रुपए तक कमाने वाली है। तो फिल्म का 8 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 38 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो जाएगा। तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 50 करोड़ रुपए कर रही है और इस फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा था, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने वाली है। लेकिन दोस्तों बात करेंगे फुकरे 3 फिल्म की, जो कि डायरेक्ट की थी रघुदीप सिंह लांबा ने। जा दोस्तों ये बहुत अच्छी और कॉमेडी फिल्म थी, इसके पहले 2 पार्ट बन चुके हैं और ये 3रा पार्ट था। फिल्म में हमें पंकज त्रिपाठी, पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, ऋचा चड्ढा नजर आए थे। फिल्म का बजट सिर्फ 50 करोड़ रुपए का था, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से तूफान मचाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। फिल्म ने अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 8,82,00,000 रुपए पूरे इंडिया से नेट कमाए थे। तो वही फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था वो 12,40,00,000 रुपए का रहा था। उसके बाद फुकरे 3 फिल्म ने 6 दिनों में, क्योंकि 6वें दिन फिल्म ने कमाए थे 4,11,00,000 रुपए, तो फिल्म का 6 दिनों का टोटल इंडिया में नेट कलेक्शन 59,80,00,000 रुपए हो चुका था। तो वहीं फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 74,50,00,000 रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था। 7वें दिन फिल्म की कमाई रही 3,80,00,000 रुपए की। 8वें दिन यानी कि आज ये फिल्म लगभग 3.5 करोड़ रुपए कमा रही है। तो फिल्म का 8 दिनों का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 67,10,00,000 रुपए इंडिया से नेट हो जाएगा। तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 84 करोड़ रुपए कर रही है और काबिले तारीफ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल तो पर हिट चल रही है। लेकिन दोस्तों बात करेंगे यहां पे गदर 2 फिल्म की। गदर 2 फिल्म की मैं जितनी तारीफें करूं कम है, क्योंकि फिल्म को आज 56वां दिन है, लेकिन फिल्म की कमाई अभी भी रुकने का नाम नहीं ली। गदर 2 के साथ कई और बड़ी फिल्में साउथ की और बॉलीवुड की रिलीज हुई थी, लेकिन गदर 2 का तूफान एक अलग ही लेवल का हमें देखने को मिला था। इसके अलावा उसके बाद गदर 2 के बाद भी कई सारी बॉलीवुड की और साउथ की फिल्में रिलीज हो चुकी है, सिनेमाघरों से आकर भी चली गई, लेकिन गदर 2 है कि अभी भी सिनेमाघरों में डटी हुई है। फिल्म का पहले दिन का जो कलेक्शन था वो 40,10,00,000 रुपए का इंडिया से नेट था। तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 54 करोड़ रुपए का रहा था। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं फिल्म के पूरे 55 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 55 दिनों में गदर 2 फिल्म ने 526,29,00,000 रुपए इंडिया से नेट कर लिए थे। तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 695 करोड़ रुपए हो चुका था। लेकिन आज 56वें दिन भी ये फिल्म लगभग 10-12 लाख रुपए कमा रही है। तो फिल्म का 56 दिनों का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 526,39,00,000 रुपए इंडिया से नेट हो जाएगा। तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 695,12,13 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। ये काबिले तारीफ कलेक्शन है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑलरेडी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इन 4 फिल्मों में आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई है कमेंट में जरूर बताइएगा।